सरकारी नौकरी देने के नाम पर जालसाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में गुवाहाटी के हैंगराबाड़ी बड़बाड़ी के जीडी लॉज से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला बीती रात का है। जानकारी के अनुसार ये सभी जल संसाधन विभाग में नौकरी की सूची तैयार कर रहे थे, तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने इन 7 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारों की पहचान काहिलीपाड़ा के नयन सैकिया, मंगलदेव निवासी सिराजुल हक, नलबाड़ी निवासी गोविंद चौधरी, प्रांजल बर्मन, वशिष्ठ निवासी जयंत डेका और ग्वालपारा निवासी जयंत दास के तौर पर बताई गई है। जांच में ये बात सामने आई है कि अन्य 2 व्यक्तियों ने इन 7 को लॉज में बुलाया था। फिलहाल दोनों व्यक्तियों की पहचान नहीं बताई गई है, लेकिन पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार गत 14 अगस्त से ही लॉज के 3 कमरों में ये सभी डेरा डाले हुए थे। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड रफीकुल हुसैन नामक व्यक्ति बताया गया है। बीती रात पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही वो फरार हो गया।